नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अयोध्या, जहां रामलला टेंट से भव्य मंदिर में आए, लेकिन बावजूद उसके उनके ऊपर वैसे ही पानी टपक रहा है जैसे कभी टेंट में रहते बारिश में टपका करता था। अयोध्या, जहां ऐसा एयरपोर्ट बनाया गया कि लगा कि ये वर्ल्ड क्लास होगा, लेकिन उसकी भी तस्वीर ऐसी नजर आई मानो फ्लाइट की रफ्तार के साथ लोग भी आने की रफ्तार बढ़ाएंगे, लेकिन समय के साथ वो भी रुक गई। जहां अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन के बाद पर्यटकों की भरमार थी, अब वो तस्वीरें भी नजर नहीं आती। रेलवे स्टेशन को भी भव्य बनाया गया, लेकिन उसमें भी ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि आसपास की दीवार जा गिरी। अयोध्या में बारिश के चलते राम पथ पर अलग अलग जगह गड्ढे ही गड्ढे हो गए। करोड़ों की लागत से बनी सड़क में भी भ्रष्टाचार हो गया। अयोध्या में विकास का ऐसा मॉडल बनाने की बात कही गई थी कि ये देश के लिए नजीर बन जाए। तस्वीर भी शुरुआत में ऐसी आई, लेकिन सब तस्वीरें झूठी साबित हुई और मोदी योगी के सभी दावों की पोल खुल गई। जिसके बाद अब ये सवाल उठता है कि क्या इलेक्शन से पहले जानबूझकर जल्दबाजी में ऐसा काम किया गया ताकि बस जनता इन तस्वीरों को देखे और अपना वोट बीजेपी को दे दे। 22 जनवरी को मंदिर के भव्य तस्वीरें भी दिखाई गईं, लेकिन अब जाकर उन तस्वीरों की हकीकत सामने आई है कि तस्वीर में आगे क्या था और पीछे क्या। यानी सामने झूठी तस्वीर थी और पीछे वो सच्चाई जो इलेक्शन के बाद सामने आई, जिसका सबूत आज शेष भारत आपको देगा। सबसे पहले बात करते हैं रामलला के मंदिर की, जिसका सबूत मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने दिया, जहां नाली के पाइप, गर्भगृह के पास दो निर्माणाधीन सीढ़ियां और गुड़ मंडप की अस्थायी छत से बारिश का पानी टपकता मिला। मंडप के रास्ते में भी पानी से भरे गड्ढे मिले, जिससे संगमरमर का फर्श गंदा और फिसलन भरा हो चुका था। मामले पर मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बताया कि बड़े बड़े इंजीनियर यहां मंदिर बना रहे हैं, लेकिन ये किसी को ज्ञान नहीं रहा कि बारिश होगी तो छत लीक होगी। पहली बारिश में ही मंदिर में पानी चूने लगा और अंदर भर गया। पानी निकलने की जगह नहीं है, जो इस बात का सबूत है कि कैसे जल्दबाजी में राम मंदिर का निर्माण किया गया। अभी मंदिर बन गए हैं जहां रामलला विराजमान हैं, और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। हालांकि मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का जब ये बयान सामने आया, तब राम मंदिर निर्माण कार्य की देखरेख करने वाली ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया पर राम मंदिर गर्भगृह में पानी के लीक होने वाले दावे को गलत ठहराया। उन्होंने लिखा कि गर्भगृह में जहां भगवान रामलला विराजमान हैं, वहां एक भी बूंद पानी की नहीं टपक रही है और ना ही कहीं से पानी गर्भगृह में प्रवेश कर रहा है। लेकिन बात अगर कई जगह नई बनी सड़क धंसने की हो, तो अयोध्या जिले का स्थानीय प्रशासन भी मानता है कि सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए शहर के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि राम पथ निसंदेह अयोध्या में एक उपलब्धि है। इस सड़क में इंजीनियरिंग की कुछ समस्याएं थी, इसलिए कुछ गड्ढे हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि वे भी नहीं होने चाहिए थे। निर्माण में कुछ तकनीकी खामियां रह गईं, जिसके कारण कुछ गड्ढे हो गए। उन्होंने आगे कहा कि 22 जनवरी वाले आयोजन के मद्देनजर पूरी दुनिया से श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी। सारे संसार की निगाहें अयोध्या की तरफ थी। एक स्टेट ऑफ द आर्ट सड़क की आवश्यकता थी। हो सकता है कि जल्द बनाने के चक्कर में तकनीकी कमी रह गई हो और उसके कारण शुरुआती बारिश में वो गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हमें यह भरोसा है कि योगी सरकार में हम उन कमियों को दूर कर लेंगे। यानी सरकार ये मान रही है कि कमियां तो हुई हैं, लेकिन अभी भी सरकार ने कोई तारीख नहीं बताई कि आखिर ये सब कब ठीक होगा। चलिए अब आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं, एक हादसे की, जो अयोध्या में हुआ। जब बारिश आई तो सड़क पर पानी भरा और गड्ढे हो गए, पेड़ भी गिरा जिससे अयोध्या के निवासी घायल हो गए और अस्पताल पहुंच गए। पत्र बनवाने अचानक पीपल का पेड़ गिर गया ऊपर, हम लोग उसी नीचे हम लोग दब गए हैं। बहुत बड़ा डाल, मोटा डाल, हम लोग चपेट में आ गए। पूरा हाथ और एक तरफ का पैर में बहुत चोट लगी, मतलब फ्रैक्चर हो गया। हमारे साथ तो कई लोग थे, तीन लोग तो यही आए हैं। नहीं, गाड़ी हमारी दूर खड़ी थी, बाकी और लोगों की टूटी है।
कचहरी में आए थे तारीख देखने, उसी बाइक पे बैठे थे, पीछे से आवाज आई कर कर, उसको देखे तब वहाँ से भागे हम और 2-3 आदमी यहाँ घायल हो गए। यानी सड़क जल्दबाजी में ऐसी बना दी गई कि लोगों को परेशानी का सामना अब करना पड़ रहा है। जगह जगह बारिश की वजह से पेड़ गिर रहे हैं क्योंकि सड़क मजबूत तरीके से नहीं बनी है। तो हम आपको तस्वीर दिखाने के साथ साथ वो सबूत भी दे रहे हैं जो अयोध्या की उन तस्वीरों की पोल खोल रहा है, जो अच्छी से अच्छी दिखाई गई थी लेकिन हालात क्या है उसका सबूत आपके सामने है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जहां अयोध्या धाम स्टेशन रोड पर ऑनलाइन बैंकिंग का काम करने वाले रजनीश कुमार के घर के सामने निर्माणाधीन नाले को महीने भर से अधूरा छोड़ दिया गया। बारिश का पानी इकट्ठा होने से रजनीश के घर और दुकानों में दरार आ गई। जाहिर है अभी तो मानसून की पूरी शुरुआत भी नहीं हुई है और इसी वजह से उनका परिवार डरा सहमा हुआ है। अयोध्या के स्टेशन रोड पर भी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान चलाने वाले एक स्थानीय निवासी कहते हैं कि महीने भर तक यहां नाला खोदा गया और अधूरा छोड़ दिया गया। दुकान के सामने पानी भरता है और दुकान की मिट्टी कट कट कर पानी में चली जाती है, दुकान कभी भी धंस सकती है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहां पहले कभी पानी का जमाव नहीं होता था लेकिन 2 घंटे की बारिश में ये हाल हो गया। यानी इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सीएम योगी तक से शिकायत की जा रही है लेकिन बावजूद उसके कोई सुनवाई नहीं हो रही। सड़कों पर गहरे गड्ढों के अलावा राम मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर जल भराव देखा गया। वहीं मंदिर के बगल में ही नगर निगम के अयोध्या कार्यालय, आसपास की दुकानों और घरों में भी जल भराव से जूझते लोग नजर आए। नए रामपथ सड़क के बीचों बीच से नाला गया है लेकिन उससे कार्यालय के नाले को जोड़ा नहीं गया, इस कारण जरा सी बारिश में भी जल भराव हो गया। राम मंदिर से 100 मीटर दूर जलवानपुर इलाके में भी बारिश में मुश्किल समय का सामना लोग कर रहे हैं लेकिन इस बार पहली बारिश में जो हाल देखने को मिला है वो कभी नहीं देखने को मिला था। यानी ये कहा जा सकता है कि मौजूदा समय में अयोध्या के संपूर्ण विकास में कहीं भारी तकनीकी चूक तो है, ये सिर्फ बारिश का प्रभाव नहीं है। इस पर कुछ भी कह पाना अभी किसी के लिए आसान भी नहीं है लेकिन हाँ, खामी तो है जो दिखती है और इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए क्योंकि जहां सत्ता पक्ष बारिश के बाद पैदा हुई अव्यवस्था को हल्के मिले रहा है वहीं विपक्ष इसे भारी चूक बता रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस पर कहा है कि हिंदू धर्म में लिखा है कि किसी भी अधूरे मंदिर में ईश्वर की मूर्ति का प्रतिष्ठान नहीं होना चाहिए लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रतिष्ठान करके उद्घाटन कराया गया, सारी चीजें नंबर 2 करके सामान लगाया गया, सड़कें फट रही हैं, सीवर टूट रहे हैं, बाउंड्री गिर रही है, ये सब उसी का परिणाम है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके लिए किसी विशेषज्ञ से मदद नहीं ली गई और बहुत जल्दबाजी में काम कर दिया गया क्योंकि 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होना था इसलिए बहुत सारे काम चलताऊ कर दिए गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि अयोध्या के लोगों को पता था क्या होने वाला है इसलिए वहां बीजेपी हार गई। The truth is the Prime Minister barely escaped in Varanasi. And he would have been defeated himself in Varanasi. The BJP was defeated in Ayodhya. So even the people of Ayodhya have sent a message to the BJP that we do not appreciate hatred and violence. And the single biggest message that the people of India have given is that we are multiple traditions, we are many states, we have many histories. I can tell you that the government that has been formed in Delhi is a crippled government. The opposition has dealt a fatal blow to the BJP. And you will see that even Mr. Narendra Modi's attitude will have to change because the people of India have sent him a clear message. Vipakshi nahi. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की पिछले साल मानसून सत्र में लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट में भी अयोध्या में शुरू की गई कई परियोजनाओं पर सवाल खड़े किए गए। फिलहाल विकास का दम भरने वाली बीजेपी की मोदी सरकार की कलई पहली ही बारिश में खुल गई है। अयोध्या में राम मंदिर की छत पहली ही बरसात में टपकने की सुर्खियां खबरों से हटी भी नहीं कि भारी बारिश से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरने की खबर पूरे देश में बहस का मुद्दा बन गई। अयोध्या के साथ था जिसका उद्घाटन भी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यानी ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसी दुर्घटना हो रही है जिसमें नए निर्माण धाराशायी हुए हों। यूपी की बात कर लें तो इससे पहले यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई थी,
कमोवेश बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और असम में भी पुल और इमारत गिरने की खबर समय समय पर आती रही है। यानी सरकार पर सिर्फ अयोध्या को लेकर ही नहीं, कई और जगहों को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही होता रहा तो बीजेपी सरकार के लिए आगे आने वाले समय में मुश्किल होने वाली है। यानी अब ये कहा जा सकता है कि जिस अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के बल पर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में पूर्ण बहुमत से आने का सपना संजोए बैठी थी, उसी अयोध्या ने पिछले दिनों मानसून की केवल एक दिन की बारिश में ये बता दिया कि किस तरह मंदिर निर्माण और अयोध्या के विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। चारों शंकराचार्य सहित और भी कई बड़े बड़े संत महात्मा पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे थे कि मंदिर निर्माण अभी अधूरा है, लिहाजा आधे अधूरे मंदिर शिखर के नीचे रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ना हो। लेकिन राजनीति के चाणक्यों ने किसी संत महात्मा की बात पर ध्यान नहीं दिया और केवल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का ग्रैंड शो रच डाला, जिसकी हकीकत और सबूत आपको श्रेष्ठ भारत दिखा चुका है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।